हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 के बारे में, जो लगातार चर्चा में रहा है। 21 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ, एक और सरकार का तानाशाही फैसला, दो कर्मचारियों को किया निलंबित। राज्यपाल से मुलाकात का असर होगा या नहीं होगा, आरपीएससी की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, 21 दिसंबर की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सबसे लेटेस्ट न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है। 50,000 शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन पर शिक्षक नेताओं के निलंबन का विरोध तेज हुआ। जयपुर बीएलओ के रूप में काम कर रहे करीब 50,000 शिक्षकों की मांग पर व्याख्याता भर्ती को स्थगित करने का आंदोलन करने वाले शिक्षक नेता शशिभूषण शर्मा और विपिन प्रकाश शर्मा के निलंबन का विरोध तेज हो गया है। जयपुर में चल रहे व्याख्याता भर्ती को स्थगित करने के आंदोलन में सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर दोनों नेताओं को शिक्षा विभाग ने बुधवार को निलंबित कर दिया था। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशिभूषण शर्मा तथा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में कई शिक्षक और कर्मचारी संगठन उनके समर्थन में उतर आए हैं। इनमें राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, राजस्थान महिला संघ, महिला शिक्षक संघ, राजस्थान विशेष शिक्षक संघ, राजस्थान संस्कृत शिक्षक संघ, राजस्थान TSP संघर्ष समिति, राजस्थान शिक्षक संघ कांग्रेस, शिक्षक संघ रेस्टा, अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत, राजस्थान PSD तकनीकी कर्मचारी यूनियन, राजस्थान नर्सेज यूनियन, राजस्थान गौरव सेनानी संघ, राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत, राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन सहित कई संगठनों ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन के चलते इस प्रकार का निलंबन सरकार की तानाशाही को दर्शाता है, निलंबन को तुरंत रद्द किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और कल किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यपाल से भी मुलाकात की, उस मुलाकात का क्या असर होता है दोस्तों, वो आज देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से जुड़ी हुई खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को आगे खिसकाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। मिलते हैं दोस्तों फर्स्ट ग्रेड से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।